गुड मॉर्निंग। देखो ऑडियो वीडियो सब ठीक है? तो आज तो घर से ही ये चैप्टर तुम लोग डिजिटल एजुकेशन का कर लो। तो ये देखो तुमको लिंक भी सेंड कर देते हैं। लिंक सेंड कर दिए। हाँ ज्वाइन हुए हो? सब ठीक है? मुस्कान स्नेहा ठीक है? यस। कल तुम लोग को सेंड कर दिए थे, इसी से थोड़ा सा भी जितना होगा हम लोग समझ गए थे। ठीक है तो सब लिख लेना जितना से होगे। थोड़ा डिटेल डिटेल मतलब सब शॉर्ट में ही दिए हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं है, फिर भी देखो कितना लिख सकोगे लिखना। देखो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ये फर्स्ट यूनिट है तुम लोग का, और इसमें वेरियस चैप्टर है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब देखो कंप्यूटर क्या है, यहाँ देखो लिखा हुआ है, ए कंप्यूटर इज ए वर्सेटाइल एंड पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक वर्सेटाइल और पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, तो उसमें ये दो वर्ड ऐड कर दिया गया, वर्सेटाइल एंड पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वर्सेटाइल एंड पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हाँ सब ज्वाइन कर लिए हो। डिवाइस है भाई, दैट प्रोसेसेस, तो वो प्रोसेस करता है डेटा टू परफॉर्म वेरियस टास्क। वो डेटा को प्रोसेस करता है और वेरियस टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है तो ये ठीक है। इट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। अब ये कंप्यूटर क्या हो चुका है, मॉडर्न लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट हो चुका है। जैसे देखो आज क्लास कर रहे हो ना, कंप्यूटर है, इसीलिए तो तुम लोग पास जो मोबाइल है वो भी तो कंप्यूटर है एक तरह से ना। सवेरे से शाम तक हम लोग कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते बिना कंप्यूटर के। इन्फ्लुएंसिंग ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट, हर एस्पेक्ट को आजकल इन्फ्लुएंस करता है, ये प्रभावित करता है एवरी एस्पेक्ट। ये कॉमन क्या जनरल वर्ड है, जनरल सेंटेंस है। देखो दीज आर जनरल सेंटेंसेस। अब कंप्यूटर क्या है, पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वर्सेटाइल एंड पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा। ये डेटा को प्रोसेस करता है, इसको जो डेटा मिलता है ये प्रोसेस करता है और वेरियस टास्क को, वेरियस काम को परफॉर्म करता है। यही हुआ मैं, बाकी यहाँ तो जनरल हम लोग अब लिखेंगे। तो देखो तो ये इट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, इन्फ्लुएंसिंग ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल, पर्सनल भी और प्रोफेशनल एक्टिविटीज को भी ये क्या करता है बताओ, प्रभावित करता है ना, इन्फ्लुएंस करता है ना। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग देयर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स को जानना, फंक्शंस को जानना, एंड द प्रिंसिपल्स दैट गवर्न देयर ऑपरेशन। ठीक है ना, एक एकदम सिंपल सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट देखो की कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का की कंपोनेंट्स क्या क्या होता है,
कंप्यूटर काम करता है उसमें क्या क्या पार्ट्स होता है बोल सकते हो। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू ना, तो सीपीयू मतलब क्या, तो सीपीयू मतलब प्रोसेसर ठो, ठीक है। सीपीयू मतलब वो पूरा बॉक्स तो नहीं ना, कैबिनेट तो पूरा नहीं, उसके अंदर जो उसके अंदर बहुत सारा चीज रहता है ना, तो सीपीयू भी रहता है, दैट मीन्स प्रोसेसर सीपीयू उसी को बोलते हैं एक्चुअली। ऑफन रेफर टू एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब देखो सीपीयू जो प्रोसेसर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का ब्रेन के जैसा काम करता है, जैसे आदमी में क्या होता है, ह्यूमन में ब्रेन होता है, उसी तरह कंप्यूटर में क्या होता है, सीपीयू, वही वर्क करता है। द सीपीयू एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस, ये एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को, जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, संकेत देते हैं, वो लेता है। एंड परफॉर्म्स कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन परफॉर्म करता है ना, सब काम सीपीयू करता है ना। सेकंड देखो, सेकंड है मेमोरी रैम, ठीक है। इसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, मेमोरी को रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। स्टोर्स डेटा, ये डेटा को स्टोर करता है। एंड इंस्ट्रक्शन, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर्स करता है टेम्पोररीली, ये इंपॉर्टेंट है, टेम्पोररीली वर्ड दिस इज इंपॉर्टेंट। टेम्पोररीली ये क्या करता है, स्टोर करता है, परमानेंटली स्टोर करने के लिए क्या है, परमानेंटली स्टोर करने के लिए है तो वहां जाके हार्ड डिस्क, तो टेम्पोररीली दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो, अलाउिंग द सीपीयू क्विक एक्सेस फॉर प्रोसेसिंग, ये सीपीयू को हम लोग को देता है क्विक एक्सेस करने के लिए, प्रोसेस जो हम लोग करते हैं ना उसको कौन कराता है, तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो एक्सेस करता है, मेमोरी को एक्सेस करता है, और ये जो हम लोग काम करते हैं वो टेम्पोररली स्टोर करके वहाँ रखता है। अब देखो स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, ये होता है हार्ड ड्राइव, दैट मीन्स हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव, आजकल एसएसडी भी मिलता है, हार्ड डिस्क से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हार्ड डिस्क प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हार्ड डिस्क से जो भी हम लोग का क्या जो भी डेटा उठा है, फाइल विल है, वो सब एक्सेस करने में थोड़ा टाइम लगता है सीपीयू को, लेकिन एसएसडी से जल्दी हो जाता है, थोड़ा सा स्पीड में काम होता है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है एसएसडी। एंड अदर स्टोरेज डिवाइसेस, अदर स्टोरेज डिवाइस जैसे मेमोरी कार्ड, ये सब हम लोग लगाते हैं, ठीक है। डेटा परसिस्टेंटली, इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, कंप्यूटर बंद कर देते फिर भी उसमें डेटा तो रह जाता है ना सेव होकर के, ठीक है। एसएसडी सब में हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव। मदरबोर्ड, देखो मदरबोर्ड में तो सब लगा हुआ रहता है, सब कुछ क्या क्या, सीपीयू भी उसका, रैम भी, एसएसडी यदि लगाएंगे तो एसएसडी भी, ठीक है, मदरबोर्ड से कनेक्ट रहता है। द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड, ये सर्किट बोर्ड तो होता है, सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एक बोर्ड रहता है ना, ना जैसे टीवी में भी, ठीक है, हर चीज में, मोबाइल में भी, तो कंप्यूटर में जो मेन सर्किट बोर्ड रहता है उसको कहते हैं मदरबोर्ड। मदर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वही मेन है, इसलिए मदर नाम ना, मदर वर्ल्ड उसके साथ अटैच कर दिया गया। दैट कंटेंट्स ऑल द कंपोनेंट्स ना, इसमें सब कंपोनेंट रहता है, अलाउिंग देम टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ठीक है। ये मदर बोर्ड ही सबको कम्युनिकेट करवाता है एक दूसरे के साथ, समझ में आ रहा। इनपुट डिवाइसेस, देखो डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, इनपुट मतलब जिससे हम लोग डेटा क्या करते हैं, फीड करते हैं, जिससे हम लोग डेटा, ठीक है, रोम की कंपोनेंट्स में नहीं आएगा, और नहीं भी आएगा तो थोड़ा सा रोम के बारे में बता दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, बताएंगे, रुको, यहाँ जो अभी ठीक है तुम्हारे जाके, क्या तुम्हारे जाके इसमें पीडीएफ में जो दिए थे वो पहले देख लो, फिर बता रहे, सब बताएंगे, दौड़ो मत, ठीक है। एंड तो कीबोर्ड एंड माउस एनेबल यूजर्स टू इनपुट डेटा, कीबोर्ड माउस इससे हम लोग क्या डेटा इनपुट करते हैं, एंड कमांड्स और कमांड देते हैं इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। तो देखो, तो इनपुट डिवाइस जिससे हम लोग डेटा को इनपुट करते हैं, डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, और आउटपुट डिवाइसेस जिससे जैसे मॉनिटर प्रिंटर्स एंड स्पीकर्स,
डिस्प्ले और प्रोड्यूस रिजल्ट्स फॉर यूजर्स। इससे हम लोग को रिजल्ट मिलता है, ठीक है, जो काम हो रहा है मॉनिटर में हम लोग देखते हैं, प्रिंटर से प्रिंट लेते हैं, स्पीकर से मान लो साउंड, ये सब सब आता है। तो पेरिफेरल डिवाइसेस देखो लास्ट, दीज इंक्लूड एडिशनल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स, एक्सटर्नल ड्राइव्स, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये सब होता है ना, एक्सटेंड द कंप्यूटर कैपेबिलिटीज, दैट एक्सटेंड द कंप्यूटर कैपेबिलिटीज, ये कंप्यूटर के कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है और कुछ नहीं, ठीक है। सॉफ्टवेयर देखो, सॉफ्टवेयर ये हम लोग अभी इंट्रोडक्शन में इसको पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर में देखो, एक होता ऑपरेटिंग सिस्टम ना, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर का रिसोर्सेज को मैनेज करता है, प्रोवाइड्स ए यूजर इंटरफेस, ये यूजर का इंटरफेस एक प्रोवाइड करता है, एंड फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन करता है, समझ में आ रहा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कल से रात से एक्चुअली, और इसलिए चार्ज वर्ज नहीं है मोबाइल में भी, मोबाइल नहीं इसमें, कंप्यूटर में भी नहीं है, और बैटरी में भी उतना ज़्यादा लग रहा नहीं होगा, क्या जाने। देखो नेक्स्ट, तो ठीक है जब तक हो रहा, ठीक है देख लो, थोड़ा थोड़ा बोल देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में तो आओगे, फिर हम लोग और डिटेल में देखेंगे सब कुछ, घबराओ मत। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर देखो, एक होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सच एज वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, गेम्स, ये सब वेरियस जो हम लोग अदर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ करके जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं, वो सब क्या हुआ, वो सब हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ करके जितना भी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो मैनेज करता, लिखा हुआ है ना देखो, हार्डवेयर रिसोर्सेज, यूजर को एक इंटरफेस देता है, मतलब कंप्यूटर चालू होता है, कंप्यूटर या मोबाइल ये चालू हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल है, वो काम कर रहा है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन कर रहा है, हम लोग को इंटरफेस दे रहा है, और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम लोग वेरियस क्या ऐप, जैसे हम लोग मोबाइल में ऐप बोलते हैं, ठीक है, जो हम लोग को चाहिए और भी एक्स्ट्रा आदर्स, वो हम लोग वहाँ ऐप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल के हम लोग क्या करते हैं, उसमें इंस्टॉल करके रखते हैं, ऐप सब इंस्टॉल करके रखते हैं। यूटिलिटीज देखो, दीज आर टूल्स एंड प्रोग्राम्स, ये वेरियस यूटिलिटीज है, टूल्स प्रोग्राम है, दैट हेल्प मैनेज एंड मेंटेन द कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है, मेंटेन करता है, जैसे एंटीवायरस ना, आजकल अब एंटीवायरस के जगह टोटल सिक्योरिटी या इंटरनेट सिक्योरिटी ये सब यूज करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीन अप टूल्स, डिस्क को क्लीन करने के लिए सब बाय डिफॉल्ट, जैसे एंटीवायरस तो बाय डिफॉल्ट नहीं रहता है, मोबाइल में रहता होगा लेकिन कंप्यूटर में तो नहीं रहता हम लोग को, ठीक है, वो खरीद के या डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है, डिस्क क्लीन अप ये सब रहता है, और नहीं रहता तो हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ा। दीज आर नोन एज यूटिलिटीज, मतलब ये क्या करता है, टूल्स एंड प्रोग्राम्स वो दैट हेल्प मैनेज एंड मेंटेन द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ये बीकॉम सेमेस्टर वन का तुम्हारा जाके डिजिटल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है ना, वो है, इसमें हम लोग पूरा कंप्यूटर नहीं सीखेंगे, सब्जेक्ट में जो भी है ना वो हम लोग सीखेंगे, सिलेबस में जो भी है वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो अब ये इंट्रोडक्शन स्टेज है, इंट्रोडक्शन में तो ये सब तो जानना ही होगा, इसीलिए ये पीडीएफ में तुम लोग को सेंड कर दिए थे। देखो बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस में क्या क्या होता है, इनपुट मतलब पहले हम लोग कंप्यूटर को क्या देते हैं, डेटा देते हैं इनपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर को देते हैं, फिर वो प्रोसेस करता है कंप्यूटर, फिर हम लोग को देता आउटपुट, और फिर हम लोग उसको स्टोरेज करके रख सकते हैं स्टोरेज डिवाइस में, ठीक है। तो ये होता है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज। तो देखो इनपुट, यूजर्स प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर, हम लोग क्या करते हैं, यूजर मतलब हम लोग जो यूज कर रहा है कंप्यूटर को, वो क्या करता है, इनपुट प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को। तो इनपुट हम लोग देते हैं कैसे, तो इसीलिए तो इनपुट डिवाइसेस है, कीबोर्ड माउस ये सब है, बात समझ में है ना, या कोई भी और दूसरा आदर पेरिफेरल से भी, आदर कोई भी पेरिफेरल से आदर कोई, ठीक है, जिससे भी हम लोग कंप्यूटर को डेटा दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। अब कंप्यूटर क्या करेगी, उसको
The computer, the CPU, processes the input data and executes instructions stored in the memory. ठीक है, तो वो प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट देगा. द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का जो रिजल्ट होता है उसी को कहते हैं आउटपुट. आर डिस्प्लेड ऑन आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइस हम लोग ऊपर में पढ़े ना, मोनिटर, नहीं तो प्रिंटर, प्रिंट यदि करना है, या हार्ट थ्रू स्पीकर, स्पीकर से हम लोग सुनते हैं ना. कंप्यूटर में तो वेरियस वर्क, वेरियस काम होता है ना. तो जो भी हो, स्टोरेज, उसके बाद लास्ट है हम लोग को जो स्टोर करके रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो स्टोरेज डिवाइस में हम लोग रख देते हैं फ्यूचर यूज के लिए. कंप्यूटर बंद होने के बाद भी उसमें रह जाता है. ठीक है, दिस इज व्हाट बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करता है. नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में देखो क्या क्या है. पर्सनल कंप्यूटर्स, पीसीज, डेस्कटॉप, लैपटॉप या वर्क स्टेशन डिजाइन फॉर इंडिविजुअल यूज. पर्सनल नाम इसलिए दिया गया इंडिविजुअल यूज के लिए, हम लोग जो यूज करते हैं, ठीक है, घर में डेस्कटॉप, लैपटॉप, यही सब पर्सनल यूज के लिए जो भी है. वर्क स्टेशन क्या है वो सब बोलेंगे, रुको अभी एकदम तो बेसिक लेवल में हम लोग है ना, डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, डिटेल में जाएंगे पहले इतना कर लोगे उसके बाद. ठीक है, सर्वर्स देखो, पावरफुल कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क. अब सर्वर्स क्या होता है, ये पावरफुल कंप्यूटर होता है और ये क्या देता है, सर्विसेज देता है अदर कंप्यूटर्स को ऑन ए नेटवर्क. बहुत सारा कंप्यूटर मान लो एक साथ जुड़ा हुआ है, तो एक को हम लोग को बनाना होगा सर्वर. ठीक है, एक को हम लोग को सर्वर बनाना होगा, वो क्या, वो सर्व करेगा, मतलब उसी में हम लोग को मेन जो क्या तुम्हारे जाके ये है ये स्टोरेज करके उसी में रखना है. ठीक है, तो सर्वर. नेक्स्ट देखो, मेन फ्रेम्स, लार्ज स्केल कंप्यूटर. अब मेन फ्रेम कंप्यूटर में देखो, लार्ज स्केल कंप्यूटर्स होता है यूज फॉर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन के लिए एंड हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा. ठीक है, इसमें बहुत वॉल्यूम ऑफ डेटा रहता है, ये हम लोग यूज नहीं करते हैं, ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर ये हम लोग यूज नहीं करते हैं. ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स देखो, एक्सट्रीमली पावरफुल. और ये सुपर कंप्यूटर ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, ये लार्ज स्केल था, ये एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटर डिजाइन फॉर हाई परफॉर्मेंस टास्क सच एज साइंटिफिक सिमुलेशंस एंड वेदर मॉडलिंग. ये सब साइंटिफिक मैंने साइंस में जो यूज होता है, साइंटिफिक वर्क के लिए जो यूज होता है. ठीक है, ये सब पढ़ोगे, एक बार रीड करोगे. ठीक है, हम कोई कंप्यूटर का उतना एक्सपीरियंस टीचर नहीं है. हाँ, टैली आता है हमको अच्छा से, फिर भी थोड़ा बहुत तो आता ही है तुम लोग को. ठीक है, जितना आता है उतना बताएंगे, और भी अच्छा से होगा ना. देखो, अब इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, दिस इज ओनली फॉर रीडिंग. ठीक है, ये रीड करोगे ओनली. ठीक है, रीड के लिए है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ओनली रीड करोगे एक बार. नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर 100% थ्योरी क्वेश्चंस और ये पूछ सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव से ये सब. तो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंप्यूटर सर्व वेरियस ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर कैपेबिलिटीज हैव इवॉल्व ओवर टाइम. टाइम के साथ साथ उन लोगों के कैपेबिलिटीज बढ़ा है. तो देखो क्या क्या काम होता है, प्रोसेसिंग एंड कैलकुलेशन. प्रोसेसिंग कैलकुलेशन होता है, ऑटोमेशन डायरेक्ट ऑटोमेटिक काम करने के लिए बहुत सारा काम अपने से कंप्यूटर करता है. डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल, डेटा को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं और उसको रिट्राइव भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं. कम्युनिकेशन के लिए भी उसका यूज होता है, कम्युनिकेशन में भी. नेक्स्ट है देखो पॉइंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. उसके बाद एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए भी. एजुकेशन, एजुकेशन में पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में. साइंटिफिक रिसर्च में भी होता है. बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, हर जगह आजकल तो कंप्यूटर का यूज हो रहा है ना, सब लिख दोगे. क्रिएटिविटी एंड डिजाइन में भी होता है. फिर सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस में भी होता है आजकल ना, सिक्योरिटी ये सब के लिए सीसीटीवी कैमरा ये सब लगा देते हैं ना. प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी होता है, हेल्थ केयर में, हाँ, वेदर फोरकास्टिंग में, बहुत सारा पॉइंट है. ठीक है, जो भी मन में आएगा लिख देना, लेकिन एक बार पढ़ के ठीक है दिमाग में मोटा मोटी रखो के पॉइंट सब. देखो प्रोसेसिंग एंड कैलकुलर, अब दो लाइन करके इस सबको एक्सप्लेन कर देना और क्या. ठीक है, कंप्यूटर्स आर डिजाइंड, फर्स्ट पॉइंट में आ जाओ. ठीक है, टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस
एंड प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को प्रोसेस करता है, परफॉर्म करता है और प्रोसेस करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। बहुत डेटा हम लोग कंप्यूटर में रख सकते हैं ना, मोबाइल में जैसे हम लोग का बहुत सारा फोटो वोटो वीडियो वीडियो आता है ना, तो मोबाइल का देखना स्टोरेज फुल हो जाता है, हैंग करने लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका स्टोरेज थोड़ा कम ही होता है ना, आसान। लेकिन कंप्यूटर का स्टोरेज बहुत ज़्यादा हम लोग रख सकते हैं, 1 TB जैसा आजकल कंप्यूटर मिल रहा है, 1 TB हार्ड डिस्क का। ठीक है, 2 TB, 4 TB, 10 TB तक का हम लोग एक्सटर्नल ड्राइव भी लगा सकते हैं उसमें। दिस कैपेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर साइंटिफिक रिसर्च। हाँ, तो ये कैपेबिलिटी जरूरी है साइंटिफिक रिसर्च इंजीनियरिंग की, तो वहाँ ह्यूज स्केल लार्ज स्केल ऑफ डेटा, ठीक है, उन लोग को रखना पड़ता है। फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वेरियस अदर कॉम्पिटिशनल टास्क। ऑटोमेशन देखो, सेकेंड पॉइंट, कंप्यूटर्स आर यूज टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क। जो रिपीटेटिव टास्क है ना, जो टास्क जो काम बार बार करना पड़ता है, ये कंप्यूटर अपने कर देता है। कंप्यूटर को जब ऐसा इंस्ट्रक्शन दे के रखेंगे तब, रिड्यूसिंग द नीड फॉर मैनुअल इंटरवेंशन। सो मैनुअल इंटरवेंशन का जरूरत नहीं है, ठीक है, अपने आप कंप्यूटर अपने से कर देगा। हाँ ठीक है, उसका उतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको, लेकिन इंस्ट्रक्शन दे के रखना होगा तब। दिस इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, डेटा एंट्री एंड रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। ठीक है, जैसे मोबाइल में मान लो आता है ना, तुम्हारे जाके क्या, यदि हम लोग का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो हम लोग उसको क्या करके रख सकते हैं, वो देखना ऑप्शन रहता है कि हम लोग वो ऑप्शन यदि चुन के रखेंगे तो अपने आप पेमेंट हो जाएगा, तुम्हारा रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट ये सब सब क्या एक्सेस देना दे के रखना पड़ता है, बैंक अकाउंट ये तो अपने आप पेमेंट हो जाता है वेरियस ऐप से। तो देखो, डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। देखो, डेटा जो स्टोरेज हम लोग करके रखते हैं उसको रिट्राइव भी कर सकते हैं, स्टोर भी करके रख सकते हैं, रिट्राइव भी कर सकते हैं। तो दे कैन स्टोर वास्ट अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्मेट्स, मेकिंग इट इजी टू रिट्राइव अपडेट और मैनेज। रिट्राइव करना, अपडेट भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन देखो, कंप्यूटर्स फैसिलिटेट कम्युनिकेशन थ्रू वेरियस मीन्स। तो कंप्यूटर फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन वेरियस मीन्स से, इंक्लूडिंग ईमेल, ईमेल हम लोग कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आजकल ये सब मोबाइल से भी होता है, मोबाइल भी तो एक टाइप का कंप्यूटर ही है ना, सोशल मीडिया। दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन कनेक्टिंग पीपल ग्लोबली एंड एनेबलिंग एफिशियंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। सिंपल बात है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कंप्यूटर्स प्रोसेस एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन। ये प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है इंफॉर्मेशन को टू जनरेट मीनिंगफुल इंसाइट्स। दिस इज एप्लीकेबल इन फील्ड्स सच एज डेटा एनालिटिक्स बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। वेरियस इंफॉर्मेशन को क्या ये प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, और इसका बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, तो देखो, एंटरटेनमेंट, कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। एंटरटेनमेंट पर्पस में भी यूज होता है कंप्यूटर का, ऑफरिंग एक्टिविटीज लाइक गेमिंग, मल्टीमीडिया कंटेंट कंजम्पशन, वीडियो म्यूजिक, ये सब वर्चुअल एक्सपीरियंस, ये सब सिंपल बात है ये सब। एजुकेशन, अब एजुकेशन में भी तो इसका एक सिग्निफिकेंट रोल है ना, कैसे? तो प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, एजुकेशन जैसे आजकल ऑनलाइन क्लास होता है, ऑनलाइन वेरियस ना हम लोग क्या स्टडी मटेरियल ये सब सब स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। ई लर्निंग, मेकिंग एजुकेशन मोर एक्सेसिबल एंड इंटरेक्टिव, जैसा आज तुम लोग क्लास कर रहे हैं ना, कंप्यूटर की मदद से इतना हो रहा है। टूल्स इन साइंटिफिक रिसर्च, हाँ साइंटिफिक रिसर्च में तो जरूरत होगा ही कंप्यूटर का। सिमुलेशंस एंड मॉडलिंग, अब बोलोगे सिमुलेशन ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में कॉमर्स में यदि एडवांस लेवल का पढ़ोगे तो पता चलेगा सिमुलेशन क्या, साइंटिफिक चीज होता है थोड़ा। दे एड इन एनालाइजिंग एक्सपेरिमेंटल डेटा, कंडक्टिंग वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, बर्थडे वर्थडे को ये सब वेरियस टाइप का। ओवरऑल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंप्यूटर का यूज होता है। दे एनहेंस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्रिएटिविटी एंड डिजाइन।
जैसे क्या तुम्हारे जाके आर्ट में डिजाइन वजाइन ये सब सब बनाने में आजकल कंप्यूटर का यूज़ होता है, आजकल कोई पेन पेपर का यूज़ नहीं करता कंप्यूटर में डायरेक्ट, वेरी एज वीडियो एडिटिंग, वीडियो म्यूजिक व्यूजिक ये सब सब, ठीक है, म्यूजिक प्रोडक्शन सब कंप्यूटर से होता है, ठीक है, वो जमाना चला गया जब हम लोग ये सब दूसरा कोई ढंग से करते थे, आजकल सब कंप्यूटर में होता है। देखो तो क्रिएटिव एक्टिविटीज इंक्लूडिंग ग्राफिक डिजाइन एनिमेशन वीडियो एडिटिंग म्यूजिक प्रोडक्शन वेरियस सॉफ्टवेयर टूल्स एनेबल इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस देयर क्रिएटिविटी इन डिजिटल फॉर्मेट्स, ठीक है। सिक्योरिटी एंड सर्विलियंस, कंप्यूटर्स आर यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पज, सिक्योरिटी पर्पज में यूज होता है इंक्लूडिंग सर्विलेंस सिस्टम एक्सेस कंट्रोल डेटा इंक्रिप्शन, दे हेल्प प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन एंड मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो थ्योरी सब्जेक्ट है ना, तो हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल भी देखेंगे इस सब का प्रैक्टिकल, अभी तो थ्योरी है, फर्स्ट चैप्टर थ्योरी होगा ना, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन बेसिक जान जाएंगे, उसके बाद हम लोग ना वर्ड एक्सेल जो भी है तुम लोग का सिलेबस में सब कुछ जो भी प्रैक्टिकल चीज़ है प्रैक्टिकली भी बताएंगे। नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंप्यूटर्स एड इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो कॉम्प्लेक्स हार्ड प्रॉब्लम है जैसे लॉग वाला, ठीक है, एल्गोरिदम सिमुलेशन ऑप्टिमाइजेशन, सिमुलेशन एक मैथमेटिकल टूल होता है सिमुलेट करने के लिए ना, एक तरह से एस्टिमेशन बोल सकते हो, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ये सब जितना पॉइंट याद कर सकते हो याद करोगे। हेल्थ केयर में वेरियस डायग्नोस्टिक वेरियस जो तुम्हारे जाके होता है ना वेरियस क्या ये तुम्हारे जाके पेशेंट का रिकॉर्ड मैनेजमेंट मेडिकल इमेजिंग, हाँ ड्रग डिस्कवरी डायग्नोस्टिक ये सब सब ना फोटो वोटो ये सब सब आजकल हर जगह क्या तुम्हारे जाके कंप्यूटर का यूज़ होता है। वेदर फोरकास्टिंग में जैसे मान लो अभी ये एक तरह से साइक्लोन आया है इसके बारे में भी मान लो ऐसे पता चल जाता है हम लोग को कंप्यूटर का मदद से, वहाँ दूसरा टाइप का बोले तो ना अभी सुपर कंप्यूटर उस सब का यूज़ होता है। अब देखो कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गैजेट्स, बोलो गैजेट्स क्या होता है, गैजेट्स मतलब बहुत सारा सामान कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी है ना आईटी जो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी उस पर डिपेंड है ना, उस सबको हम लोग गैजेट बोलते हैं, कंप्यूटर नहीं बोल गए गैजेट बोलेंगे और क्या। एज ऑफ माई लास्ट नॉलेज अपडेट इन जनरल 2000 आई कैन प्रोवाइड यू विथ ए जनरल ओवरव्यू ऑफ सम कंप्यूटर एंड आई टी गैजेट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ जो भी लिखा हुआ है जनवरी 2022 ठीक है वहाँ तक का मोटा मोटी, ठीक है, इस तरह का ये सब गैजेट मोटा मोटी उनको पता है, और भी बहुत सारे देखो नया नया गैजेट तो निकलते रहता है ना, इसलिए वो डेट मेंशन कर दिया गया ऊपर में। लैपटॉप्स एंड अल्ट्रा बुक्स, लैपटॉप्स अल्ट्रा बुक ना बोलोगे, लैपटॉप तो जानते हैं अल्ट्रा बुक्स, तो अल्ट्रा बुक्स मतलब वही ये लैपटॉप जैसे एप्पल मैकबुक प्रो ये सब कंपनी का वेरियस जो प्रोडक्ट है ना उसके बारे में दिया हुआ है। लेनोवो थिंकपैड सब लैपटॉप ही बोल सकते हो एक तरह से, स्मार्टफोन जानते हो या नाम दिया हुआ, देखो आईफोन सैमसंग गैलेक्सी नाम दिया हुआ है मतलब वन प्लस ये सब। टैबलेट्स भी जानते हैं, एप्पल आईपैड प्रो सैमसंग गैलेक्सी टैब माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो टैबलेट्स टैब जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में टैब बोलते हैं। फिर वेरेबल टेक्नोलॉजी एप्पल वॉच जो हम लोग पहनते हैं, सैमसंग गैलेक्सी वॉच जो है वो भी तो आजकल ना एक तरह से क्या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर मतलब वही है ना इलेक्ट्रॉनिक जो वॉच है वो सब, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी एआर एंड वर्चुअल रियलिटी वीआर डिवाइसेस, ठीक है, जैसे ऑकुलस रिफ्ट, अभी सब नहीं जान तो ठीक है तुम लोग ना इसको ये सब का पिक्चर भी दिखा देंगे कैसा होता है नहीं होता है एक बार पढ़ लेना अभी, ठीक है, जो समझ में नहीं आ रहा ना वो सब हम लोग देख लेंगे, पिक्चर सब देख लेंगे मोटा मोटी समझ में आ जाएगा। हाँ हम लोग चेन्नई में, हाँ ठीक है, मुझे वो साइक्लोन आया है, ठीक है। स्मार्ट होम डिवाइसेस में देखो, स्मार्ट होम डिवाइसेस में अमेजन इको गूगल नेस्ट ये सब होम में हम लोग यूज़ करते हैं ना, अमेजन इको गूगल नेस्ट फ्लिप्स यू स्मार्ट लाइट स्मार्ट, ठीक है, सर्मो स्टैट्स, तो जो जो ये सब तुम लोग
जानते हो तो ठीक है, गेम कंसोल में जैसे प्ले स्टेशन, अब गेम होम का नाम क्या कहते हैं देख लो, हमको उतना पता नहीं। ड्रोन्स, हाँ ये वेरियस ड्रोन और हम लोग यूज करते हैं ना इसका। ड्रोन क्या होता, नहीं होता उसको वाला नीचे अभी हम लोग देखेंगे जहाँ जहाँ, ठीक है, जो भी तुम लोग सिलेबस में सब हम लोग देखेंगे। फिटनेस ट्रैकर, फिटनेस ट्रैकर मैंने ये फिटनेस को ठीक है मापता है, वेरियस मैंने एक तरह से वॉच वॉच हम लोग ये सब वेरियस पहन लेते हैं ना, फिटनेस कितना कैलोरी हम लोग क्या खत्म किए हैं चलने से, कितना कैलोरी बना है नहीं, सब सब हम लोग पता लगा सकते हैं। 3D प्रिंटर्स, 3D प्रिंटर्स जैसे क्या क्रिलिटी इंटर्स 3, जो भी ऐसे तुम्हें और पढ़ लेना, स्मार्ट स्पीकर, तो वेरियस क्या IT और उससे रिलेटेड गैजेट वजेट ये सब का नाम दिया। फोटोग्राफी गैजेट जैसे माइक, मिररलेस अच्छा कैमरास, जो भी है ये सब हमको भी उतना पता नहीं, ठीक है देखोगे तुम लोग। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस जैसे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, हाँ ये सब कंपनी का नाम दिया हुआ, ठीक है। SSD, सैमसंग T5, वायरलेस एयरबड्स, ये तो तुम लोग जानते ही हो, तुम लोग फेवरेट है एप्पल एयरबड्स, एयरपॉड्स, सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स, सोनी। USB-C हब्स एंड एडाप्टर्स, USB-C हब्स एडाप्टर्स, एंकर USB-C हब, ठीक है ये सब सब वेरियस। रोबोट वैक्यूम, अभी क्या होता है देख लेना एक बार, सब लोग देख लेंगे सब। स्मार्ट थर्मो स्टैट्स, ठीक है, नेस्ट लर्निंग थर्मोस्टैट, इकोबी थर्मोस्टैट, देख लेना होगा ये सब क्या है। पोर्टेबल पावर बैंक्स, हाँ ये तो जानते हो पावर बैंक जैसा है वेरियस, ठीक है। मैकेनिकल कीबोर्ड्स एंड गेमिंग माइस, माउस को यहाँ माइस लिखा हुआ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लॉजिटेक जैसे वेरियस मैकेनिकल, और उसमें लाइट वेट क्या क्या चलता है, वेरियस काम होता है देख लेना है और क्या है सर। फोल्डेबल फोन, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold, जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, कंप्यूटर उसका एप्लीकेशन, तो कंप्यूटर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, अभी हम लोग ऊपर में देखे थे ना, वही थोड़े डिटेल में लिखा हुआ है। बिजनेस एंड फाइनेंस में कैसे उसका एप्लीकेशन होता है, फिर एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, कम्युनिकेशन में, एंटरटेनमेंट में, वही जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे ना ऑब्जेक्टिव का, वही यहाँ डिटेल में थोड़ा लिखा हुआ है क्या क्या कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कैसे कैसे अप्लाई होता है। फिर IT गैजेट, अभी हम लोग नाम पढ़े ना IT गैजेट का, अभी देखो नीचे उसका एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, स्मार्टफोन का एप्लीकेशन कहाँ होता है, स्मार्ट वॉच, फिटनेस ट्रैकर, क्या फिट क्या वो ट्रैक करता है नहीं करता है, डिटेल दिया हुआ है देख रहे हैं। तो ये सब सब ठीक है। फिर बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो यहाँ आ जाओ अब, बेसिक्स वो तुम लोग रीड कर लेना, ठीक है समझ में आ जाएगा। बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर में क्या क्या आता है देखो, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या आएगा, वही प्रोसेसर टू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम लोग पढ़े थे। मेमोरी, हार्डवेयर में मेमोरी भी आता, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये टेम्पोररी क्या करता है, टेम्पोररी स्टोरेज करता है। फिर स्टोरेज डिवाइसेस में वही हार्ड डिस्क और SSD आ जाएगा, मदरबोर्ड, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट, एकदम बेसिक है ये सब जानते हो, यस ठीक है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPU, गेमिंग वेमिंग के लिए ना, वो जो ग्राफिक कार्ड हम लोग लगाते हैं ना, ग्राफिक कार्ड बोला जाता है ना, तो ये जैसे गेमिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन के लिए होता है, पावर सप्लाई के लिए, ये पावर सप्लाई करता है कंप्यूटर को। कूलिंग सिस्टम के लिए, जो फैन ऊन रहता है, कूलिंग सिस्टम ना, कंप्यूटर को क्या करना, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है, कंप्यूटर मान लो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, चल रहा तो गर्म होगा, कूलिंग सिस्टम मतलब वही, जैसे ओवर हीटिंग जैसे ना हो, गर्म जैसे ना हो, इसीलिए फैन उन लगा के रखा जाता है, या लिक्विड भी एक डाला जाता है प्रोसेसर में जैसे वो गर्म ना हो, और कुछ नहीं। तो ये एक बार पढ़ोगे रीड करने से समझ में आएगा, हाँ नहीं आएगा तो फिर बताएंगे ना, ठीक है उतना आता है उतना समझा सकते हैं, ठीक है। देखो बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में देखो क्या क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम उसको OS बोलते हैं शॉर्ट में हम लोग, OS इज द कोर सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेज हार्डवेयर रिसोर्सेस, ऊपर भी हम लोग पढ़े थे,
तुम लोग ऐसे दो दो बार क्यों आ रहा? ऊपर में हम लोग वहां पढ़े ना, बेसिक्स में, एक इंट्रोडक्शन में, और फिर ये सब देखना लिखा हुआ है तुम लोग का सिलेबस में, इसीलिए फिर से दिए हैं ना, फिर से दिए हैं। बोलोगे डबल डबल हो जा रहा है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो लिखना है तुमको, और क्या, डबल क्या होगा वहां? तुम थोड़ी ना एक टाइप का दो क्वेश्चन आएगा कि तुम डबल लिखोगे। यहाँ दो बार दिए थे, दो बार एक बार वहां दिए थे बेसिक में, इंट्रोडक्शन में, फिर ये टॉपिक है तुम लोग का, इसीलिए फिर से यहाँ आ रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं। प्रोवाइड से यूजर इंटरफेस एंड अलाउस अदर्स अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू रन। अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चलेगा कैसे? तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा ना, ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा तभी तो उसमें, पहले कंप्यूटर चालू होना चाहिए, मोबाइल चालू होना चाहिए, चालू करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज ना, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, या मोबाइल में क्या होता है, एंड्रॉयड होता है। डिवाइस ड्राइवर्स, ये हम लोग बेसिक ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर में। ठीक है, पहला आया ऑपरेटिंग सिस्टम, और डिवाइस, वेरियस डिवाइस का ड्राइवर, ड्राइवर मतलब उसको ड्राइव करेगा वो डिवाइस, तब रन होगा सही सही चलेगा ना। जैसे ये मान लो राइटिंग पैड लगाए हैं, इसमें उसका डिवाइस ड्राइवर लगाना पड़ता है। आजकल यूएसबी से जो कनेक्ट होता है माउस, कीबोर्ड और भी वेरियस, उसके लिए डिवाइस ड्राइवर का जरूरत नहीं पड़ता है। ड्राइवर मतलब एक्सडी टाइप का पहले देता था, या ऑनलाइन भी हम लोग उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं ना, तभी काम होता था। पहले ये कीबोर्ड माउस ये सब चलाने के लिए भी हम लोग को उसका ड्राइवर मतलब सीडी जो दिया जाता था उसको इंस्टॉल करना पड़ता था। आजकल जरूरत नहीं पड़ता है, बहुत कम जरूरत होता है। ठीक है, लेकिन कोई 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 डिवाइस के लिए होता है उसका ड्राइवर, वो जब तक इंस्टॉल नहीं करोगे काम नहीं करेगा, वो डिवाइस तो काम नहीं करेगा, वो डिवाइस का ड्राइवर तो इंस्टॉल करना, वो भी तो एक सॉफ्टवेयर ही हुआ ना, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, वेरियस ऐप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टैली, मान लो हम लोग टैली जैसे मान लो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर काम करना चाहते हैं तो वो तो पहले इंस्टॉल करना होगा, वो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना, एप्लीकेशन मतलब वो काम के लिए, विशेष काम के लिए। देखो प्रोग्राम्स डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क और फंक्शंस, स्पेसिफिक टास्क और फंक्शंस के लिए, जैसे वेट वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम, ये सब सर, या डिजाइन सॉफ्टवेयर, या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली, यूटिलिटीज, तो ये सब ऊपर हम लोग पढ़े थे। ठीक है, यूटिलिटीज, टूल्स एंड प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क टू मेंटेन द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए वेरियस हम लोग और भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखते हैं, ये सब रहता है। नहीं तो जैसे बोलो ना एंटीवायरस या टोटल सिक्योरिटी, ये सब हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ता है, और क्या, बैकअप यूटिलिटीज ना, डेटा को बैकअप करने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाँ प्रोग्रामिंग यदि तुम करना चाहते हो, जैसे पाइथन, जावा, जावा सी प्लस प्लस, ये सब भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये सॉफ्टवेयर सब पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर दैट इज एम्बेडेड इन हार्डवेयर एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द डिवाइसेस स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर सब एम्बेडेड रहता हार्डवेयर के साथ, समझ में आ रहा, और वो डिवाइस को, डिवाइस का जो स्पेसिफिक फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है। जैसे द फर्मवेयर इन ए राउटर, राउटर जो हम लोग लगाते हैं इंटरनेट के लिए, जो राउटर यूज करते हैं वो कंट्रोल करता है उसका फर्मवेयर, फर्मवेयर मतलब सॉफ्टवेयर ही हुआ। ठीक है, उस हार्डवेयर के साथ वो इंटीग्रेट है, हार्डवेयर के साथ, ठीक है, वो अटैच है हार्डवेयर में, मतलब वो लगा हुआ है, वो सॉफ्टवेयर एम्बेडेड है, उसको बोलते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर दैट इज एम्बेडेड इन हार्डवेयर। राउटर में क्या सॉफ्टवेयर भी एम्बेडेड रहता है, उसको हम लोग फर्मवेयर बोलेंगे। वो कंट्रोल करेगा किसको, उस नेटवर्किंग, उस राउटर का, तुम्हारे जाके नेटवर्किंग डिवाइस होता है ना राउटर, उसको कंट्रोल करता है, उसका नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज को कंट्रोल करता है। लाइब्रेरीज, कलेक्शंस ऑफ प्री रिटन कोड, प्री रिटन कोड इसमें रहता है दैट कैन बी यूज्ड बाय प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामिंग करता है, प्रोग्रामर लोग को बोलते हैं, वो लोग इसका यूज करता है टू सिंप्लीफाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिंप्लीफाई हो जाए, जल्दी हो जाए, क्यों, क्योंकि प्री रिटन कोड पहले से एक कोड लिखा हुआ है, उन लोग को लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई भी हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर तो किसी को बनाना पड़ा ना, लिखना पड़ा था, कोड लिखना पड़ा था, कोडिंग, तो प्री रिटन कोड कुछ रहता है वो सबको लाइब्रेरीज बोलते हैं, और कुछ नहीं। मिडिलवेयर, देखो सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी,
अब ये मिडिल वेयर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये इंटरमीडियरी का काम करता है, ये सब सॉफ्टवेयर, सब सॉफ्टवेयर ही होता है ठीक है, इंटरमीडियरी के काम करता है किसके इसके बीच, तो बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन एंड डेटा एक्सचेंज ठीक है। फिर देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, डेटाबेस जो भी हम लोग का डेटा, जैसे स्टूडेंट का डेटा ना, स्टूडेंट का मान लो नेम, उन लोग का जो भी गार्जियन पेरेंट्स का नेम, उन लोग का एड्रेस, उन लोग कौन कौन क्लास पढ़ के आया है, वो सब का डिटेल, मार्क्स बोलो, अटेंडेंस बोलो, तो वेरियस डेटा को वेरियस ढंग से लिखा जाता है, रखा जाता है, और उसको एक्सेस करना DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे MS एक्सेस है ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस, वो भी एक हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेज डेटाबेसेस, डेटाबेस को वो मैनेज करता है, अलाउिंग यूजर टू स्टोर ऑर्गेनाइज ठीक है, वो जो डेटा है बढ़िया से हम लोग को रखना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है, और जैसे उसको हम लोग ना एक्सेस भी कर सके, रिट्राइव भी कर सके एफिशिएंटली। एग्जाम्पल जैसे माई SQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL, तो ये सब SQL सर्वर, वेब ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट अभी एज बोल के ठीक आया है नया, तो ये सब सब वेब ब्राउजर है ना, इंटरनेट करने के लिए हम लोग को वेब ब्राउजर का जरूरत पड़ता है ना, तभी तो इंटरनेट होगा, मतलब ब्राउज होगा। अब ये देखो एक टॉपिक है तुम लोग का, हार्डवेयर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस, हम लोग पढ़े हैं पहले इंट्रोडक्शन में ये पढ़ लिए थे, फिर से तुम लोग का दिया हुआ है इसीलिए ये फिर लिखा गया, और कुछ नहीं, तुम लोगों को बार बार आ रहा क्यों, इसीलिए आ रहा कि फिर से तुम लोग का है, एक बार इंट्रोडक्शन में भी तो लिखना जरूरी था इसीलिए लिखे थे, यहाँ थोड़ा डिटेल है और कुछ नहीं। जैसे हार्डवेयर, हार्डवेयर ठीक है ये ऊपर भी था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका देखो थोड़ा सा डिटेल है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, फिर इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस वही सब लेकिन थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस में भी ये पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, हाँ नहीं आएगा तो बोलेंगे ना। कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, कंप्यूटर का मेमोरी स्टोरेज, कंप्यूटर मेमोरी में वही रैम टेम्पोररी के लिए, स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क, उसके बाद SSD, रिलेशनशिप बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज, ये थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। देखो रिलेशनशिप बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज, देखो डेटा ट्रांसफर, डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टोरेज टू मेमोरी व्हेन कंप्यूटर इज पावर्ड ऑन एंड एन एप्लीकेशन और द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड। डेटा ट्रांसफर किया जाता है स्टोरेज से मेमोरी में, मेमोरी मतलब रैम ठो, स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क ठो ठीक है, या SSD। वहां से जैसे हम लोग कंप्यूटर स्टोर, जैसे कंप्यूटर हम लोग ओपन करते हैं ना, चालू करते हैं, वैसे ही पावर्ड ऑन करते हैं, वैसे ही स्टोरेज से, स्टोरेज सिस्टम में क्या था, स्टोरेज में क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम तो था, वो मेमोरी में जाता है, फिर कंप्यूटर चालू होता है, समझ में आ रहा ना। स्टोरेज से डेटा प्रोसेसिंग, वंस इन मेमोरी, मेमोरी में जैसे आया वो, अब डेटा इज प्रोसेस्ड बाय द CPU, डेटा को प्रोसेस कौन करेगा, CPU मतलब प्रोसेसर ठीक है। एज रैम इज फास्टर देन स्टोरेज, रैम क्या होता है, फास्टर होता है, हैविंग सफिशियंट मेमोरी अलाउज और स्मूदर एंड मोर एफिशिएंट कंप्यूटिंग ठीक है। टेम्पोररी वर्सेस परमानेंट, ये ओनली फॉर क्या नॉलेज है, ये तुम लोग का टॉपिक में नहीं है मेरा ख्याल से, नॉलेज के लिए सुन लो, पढ़ने का मतलब सिर्फ पास करना नहीं होता ना, नॉलेज भी लेना होता है। देखो रैम इज यूज फॉर टेम्पोररी यूज से स्टोरेज, अभी हम लोग पढ़े थे 2-3 बार, ड्यूरिंग एक्टिव टास्क, वाइल लॉन्ग टर्म स्टोरेज, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, परमानेंट डेटा रिटेंशन, नया स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क, तो ठीक है वही एक बार पढ़ लोगे। कनेक्टिंग कीबोर्ड माउस मॉनिटर प्रिंटर्स टू CPU, कीबोर्ड माउस ठीक है, उसके बाद क्या मॉनिटर प्रिंटर को हम लोग CPU से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो वेरियस डेटा केबल ये सब है ना, डेटा जैसे USB कनेक्शन, USB ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, वो एक कनेक्शन का टाइप होता है ठीक है। PS2 कनेक्शन, वो पहले होता था, आजकल होता ही नहीं है ये ठीक है, ये कनेक्टर लैपटॉप में तो रहता भी नहीं है आजकल। मॉनिटर से कैसे, मॉनिटर को कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे, कीबोर्ड माउस हम लोग USB से कनेक्ट करते हैं आजकल ठीक है, लैपटॉप डेस्कटॉप सब में ही, तो
अब वो PS2 वाला नहीं, आजकल मॉनिटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो VGA या DVI या HDMI, आजकल HDMI पोर्ट रहता है, VGA भी रहता है ना, कनेक्ट कर कैसे करते, तुम लोग ये दिखा देंगे यहाँ जब आओगे ना, USB क्या होता है, ठीक है, वो सब सब दिखा देंगे यहाँ। फिर कनेक्टिंग टू प्रिंटर, प्रिंटर भी USB से ही कनेक्ट होता है, आजकल वायरलेस कनेक्शन भी होता है ना, वायरलेस टेक्नोलॉजी आ गया ना, मतलब आजकल अब जैसे कीबोर्ड माउस, वायरलेस कीबोर्ड माउस है, जैसे मेरा पास, तुम लोगों के पास भी होगा ना, तो वायरलेस कीबोर्ड माउस यदि है तो हम लोग का वायर से कनेक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता है ना, एक से हम लोग कनेक्टर लगा देते हैं USB पोर्ट में जा करके, और बस वायरलेस, तो ये सब सब जानते हो, घर में है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ दिखा देंगे, इसको इसको देखना होगा बढ़िया से, यहाँ आकर देख लेना एक बार, तो और सब देखो प्रैक्टिकल चीज है ना, एक बार देख लोगे तो मोटा मोटी और अच्छा सा आइडिया हो जाएगा। सॉफ्टवेयर ये हम लोग देखे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, वो लोग एक ही है तो, हाँ तो एक ही मोबाइल एप्स, अब आजकल बोलो ना मोबाइल में जितना भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है मोबाइल में भी चलता है अलग ढंग से, वो छोटा टाइप का होता है, तो ठीक है, तो ये है फर्स्ट चैप्टर, तुम लोग एक बार ये रीड करोगे, बहुत ही इजी चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, और कंप्यूटर जिन लोग को आता है उन लोग के लिए तो वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट हो जाएगा ये ना, ये तो एकदम बोनस के जैसा, फ्री में नंबर लेने के जैसा सब्जेक्ट हो जाएगा, जिन लोग को नहीं आता है उन लोग पढ़ोगे तो उन लोग के लिए, जिन लोग को नहीं आता उन लोग को डबल बेनिफिट होगा, कंप्यूटर भी मोटा मोटी सीख जाओगे, और अभी यदि सीखोगे तो भूलने का कोई चांस नहीं है ना, ये तो तुम लोग एकदम बीकॉम ग्रेजुएशन में सीख रहे हो ना, बढ़िया से देख भी लेना, थोड़ा सा अपने को सही रखोगे, ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आएगा बेझिझक पूछोगे, हमको जितना आता है हम तुम लोग को हेल्प करेंगे, बताएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, बताने का कोशिश करेंगे एक्चुअली, ठीक है, और मोटा मोटी सब आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, ठीक है, पढ़ाते नहीं है इसीलिए एक्सपीरियंस नहीं है, पढ़ाने का स्टाइल हो सकता थोड़ा अलग हो, उतना अच्छा ना हो, लेकिन आता तो सब है, बता तो सब सकते हैं चाहेंगे तो जो जिसको इसको नहीं आता है, कंप्यूटर नहीं सीखे हो, ठीक है, जो सीखे हो अच्छा बात है, पहले जो नहीं सीखे हो सीखने का अभी कोई मेरा ख्याल से जरूरत नहीं है, सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ आके देखोगे पढ़ोगे मोटा मोटी समझ में आ जाएगा, बाकी जो प्रैक्टिकल वर्ड एक्सेल जो भी तुम लोग चैप्टर रहेगा ना वो तो यहाँ बताएंगे बढ़िया से, घर में कंप्यूटर है तो अच्छा बात है, नहीं है तो थोड़ा बहुत, ठीक है, हाँ 5-10 मिनट 15 मिनट प्रैक्टिस कर लोगे यहाँ बैठ करके, हो जाएगा, जिन लोगों घर में कंप्यूटर है अच्छा बात है, कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी है बहुत अच्छा बात है, ठीक है, तो इसे डरना नहीं है, दिस इज वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट, बस पढ़ना है, ठीक है, अभी बताएंगे, जिन लोगों को पहले से आता है उन लोगों को लगेगा कि सब क्या पढ़ रहे हैं हम, और जिन लोगों को नहीं आता है उन लोग थोड़ा सा पढ़ो रीड करो, ठीक है, डरना नहीं है, पूछोगे आके बेझिझक, ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि हम लोग को नहीं आता है तो पूछना है, ठीक है, पूछोगे तो हम भी बोलेंगे, तो हमको भी क्या एक्सपीरियंस होगा ये सब बताने का, समझाने का स्टाइल पता चलेगा कैसे समझाया जाता है, एक बार तुम लोग आज पढ़ोगे, ठीक है, ओके बाय, आज इतना टाइम नहीं दे सके क्योंकि यहाँ चार्ज भी नहीं है रात से ना, इलेक्ट्रिसिटी गायब है, तुम लोग का उधर भी हो सकता नहीं है, ठीक है, ओके, सब ज्वाइन किया, नेक्स्ट क्लास में यहाँ आओगे, ठीक है, बाय, हैव ए गुड डे।